दुनिया की हर करेंसी या नोट अपने आप में केंद्रीय बैंक का जनता से या कहें कि जिसके पास मुद्रा होती है उससे ये वादा होता है कि वो धारक को उसकी कीमत अदा करेगा। लेकिन विमुद्रीकरण की प्रक्रिया के बाद 500 और 1000 की करेंसी पर लिखा यह वादा पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाध्य नहीं होगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पुराने 500 और 1000 के नोट संबंधित एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। यह अध्यादेश अमान्य किए गए 500 और 1000 मूल्यों के नोटों के प्रति सरकार और रिजर्व बैंक का दायित्व समाप्त करने के लिए है। खास बात यह भी है कि इस अध्यादेश में 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट रखने वालों को जुर्माना करने के प्रावधान की मंजूरी दी गई है। 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में नोट जमा करने के लिए कड़ी शर्तें रखी गई हैं और 31 मार्च 2017 के बाद पुराने 500 और 1000 के नोट अवैध माने जाएंगे। जानकार कहते हैं कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ये कानूनी प्रक्रिया जरूरी थी क्योंकि उसी के बाद पुराने 500 और 1000 के नोटों की वैधता समाप्त की जा सकती है। हालांकि इस तरह का अध्यादेश पहली बार नहीं आ रहा बल्कि 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार की ओर से 1000, 5000 और 10000 रुपए का नोट बंद करने के बाद सरकार की देनदारी को समाप्त करने के लिए इस तरह का अध्यादेश लाया गया था। अजय मिश्र, डीडी न्यूज़।